नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की आधारताल पुलिस ने जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुने मकानों में धावा बोलते हुए नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके जीजा और सहयोगी को भी पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लगभग 4 लाख रूपये के सोने चांदी के जेवर और मोबाइल फोन आरोपियों से जब्त किए हैं। वहीं मामले में जानकारी देते हुए जबलपुर एसपी टीके विद्यार्थी ने बताया कि जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले सत्येंद्र बर्मन और उसके सहयोगी जीजा संदीप कौरी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 4 लाख रुपए के जेवर और मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपियों के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटना को अंजाम दिया जाता था। आरोपी सुने मकान में रेकी कर घटना को अंजाम देते थे। वहीं संदीप कौरी सत्येंद्र बर्मन के चोरी किए गए जेवरात को गिरवी रखता था। आरोपियों के विरुद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जनवरी माह से नेशनल एग्री बिजनेस के नाम से कटंगी रोड पर थाना माड़ोताल पड़ता है, वहाँ पर एक कंपनी नेशनल एग्री बिजनेस नाम से संचालित हो रही थी और उसको किसानों को पौधे देकर फिर उसके बाद फसल में काम आने वाली अन्य सामग्री का लालच देकर सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जा रही थी और उनको कहीं ना कहीं इस पूरे चक्र में फंसाकर उनका पैसा हड़पने की पूरी तैयारी थी। लेकिन हमारे एडिशनल एसपीज, हमारे टीआई माड़ोताल सभी ने इसमें सक्रियता से काम करते हुए इनको पकड़ा है। इसमें इसका जो मुख्य आरोपी था रत्नेश सिंह, जो कि मुख्य एक फर्जी नाम से यहाँ पर रह रहा था, उसका असली नाम सूरज तिवारी और गोरखपुर का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये पिछले पाँच महीने से ये कंपनी संचालित थी और जैसे ही पुलिस के पास ये कंप्लेंट पहुँची है विवेकपुरी के माध्यम से, पुलिस ने तत्परता से उसके ऑफिस वगैरह में जांच पड़ताल चालू की और इन लोगों को भनक लगते ही ये लोग पैसे ऐसे जो भी जमा किए थे उसको लेके फरार होने लगे। तो उसको रीवा से जाके हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें जो रत्नेश सिंह, जो वास्तविक नाम नहीं था, फेक नाम था उसका, उसको पकड़ा और उसके पास से जो वैगनार गाड़ी मिली है उससे 25 लाख रुपये, मोबाइल फोन्स और ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इसमें काफ़ी लंबा घोटाला ऐसा लगता है कि लोगों को विश्वास में लेके उनका पैसा हड़पने की तैयारी थी और इसमें और भी लोगों के नाम अभी सामने आएंगे, तहकीकात की जा रही है और एक अच्छी जबलपुर पुलिस के खाते में ये महत्वपूर्ण सफलता है कि इन्होंने बहुत जल्दी, नहीं तो अन्यथा इसका रैकेट कई जगह फैल जाता और ग्रामीण अंचल में फैल ही गया था। सैपुरा, पाटन सभी जगह इसके लोग मेंबर बनने लगे थे और ये आसपास के जिलों में भी चला गया था। अभी सिवनी की कन्फर्मेशन हुई, सिवनी में भी कई लोग इसके मेंबर बन गए थे। ये मेंबर धीरे धीरे सबको बना रहे थे कि हम इसमें बड़ा फ़ायदा है आपको, हम सिक्योरिटी जमा करिए, आपको प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट सेल करिए, उसमें हम आपको उस जगह का किराया भी देंगे, एक व्यक्ति की सैलरी भी देंगे, मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज का पैसा भी देंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।